आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। सत्ता का संग्राम प्रेजेंटेड बाय कूल स्टाइलिश फैंस लेकर देखिए अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हम रोज पहुंच रहे हैं, वहां का हाल जान रहे हैं, सियासी समीकरण समझ रहे हैं, चाय पर चर्चा भी कर रहे हैं, लोगों के साथ मुद्दों की बात कर रहे हैं और युवाओं से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनावी मैदान में है उसके मंचों से युवाओं का जिक्र जरूर होता है, युवाओं की बेहतरी, उनके बेहतर रोजगार, बेहतर शिक्षा की बात होती है। लेकिन ये दावे तो 5 साल पहले भी हुए थे, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, उसमें भी ये दावे हुए थे। वो दावे जमीन पर कितना उतरे, युवाओं के लिए कितने बेहतर काम हुए, वो चाहे रोजगार हो शिक्षा हो, ये समझने के लिए हम युवाओं को अपने साथ जोड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। और इस वक्त हम आपको बता दें बिहार में सीमांचल की एक प्रमुख सीट है पूर्णिया, वहां पर मौजूद है। एक तरफ संतोष कुशवाहा है बीजेपी एनडीए से, आप जेडीयू के उम्मीदवार हैं लेकिन एनडीए में है, दूसरी तरफ बीमा भारती है जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। पप्पू यादव इस बार निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरे, हालांकि वो महागठबंधन में शामिल हो गए थे, कांग्रेस में शामिल हो गए थे लेकिन बाद में टिकट नहीं मिलने के कारण वो निर्दलीय मैदान में उतर गए। ये तीन नेता तो चुनावी मैदान में हैं, इनके क्या दावे वादे हैं युवाओं को लेकर, यहाँ की युवा उनके बारे में क्या सोचते हैं वो भी बात करेंगे। लेकिन लगातार युवाओं को लेकर जो बातें होती हैं, बेहतर रोजगार, बेहतर शिक्षा, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारा फोकस इसी पर रहता है, उसको लेकर कितनी बातें पूरी की गई हैं और क्या चुनौतियां इन युवाओं को अपने सामने दिख रही हैं, सीमांचल के पूर्णिया जिले के इन युवाओं को, पूर्णिया लोकसभा सीट के इन युवाओं को बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, सुविधाओं की भी बात होगी। और क्योंकि ये तमाम छात्र इस वक्त पूर्णिया में मौजूद हैं लेकिन इनके गांव आसपास हैं या इनके जहां से भी आते हैं वो आसपास के इलाके हैं, वहां का भी हाल इन सबसे जानेंगे। आप सबका बहुत स्वागत है amarujala.com पर। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करता हूँ, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम विक्रम पासवान। विक्रम, क्या है यहाँ पर सीमांचल में हम मौजूद हैं, आप सब ज्यादातर सीमांचल के ही युवा हैं, पूर्णिया बड़ा प्रमुख जिला माना जाता है, लोकसभा क्षेत्र माना जाता है, मुद्दे क्या है यहाँ पर छात्रों के रोजगार के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से? यहाँ पर तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि रोजगार का है, उसके बाद जो है दूसरा मुद्दा शिक्षा का है। अभी जो है रोजगार के देख लीजिए कि आपको 2014 से जो जब सरकार, तभी जो मोदी सरकार जो बन रही थी, तभी जो है कि पूरे जो है पूरा एकदम बहुत बड़ा बड़ा जो है कि वादा किया गया था कि युवाओं को जो है कि भारी संख्या में जो है कि रोजगार मिलेगा। उससे पहले जो है कि लगातार जो है रेलवे में हर साल बहाली आता था, लेकिन 2014 के बाद जो है कि रेलवे का इस तरह से बहाली बंद हुआ कि अभी तक बंद है, लगता है कि वो दूसरा लॉकडाउन जो है कि रेलवे का बहाली में लग गया है। और लगातार जो है कि रेलवे को जो है प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, कई क्षेत्रों में जो है कि उसको निजीकरण किया जा रहा है, जिससे कि लगातार जो है कि बेरोजगारी का जो स्तर है वो जो है बहुत ज़्यादा हो गया है और कहीं ना कहीं है कि युवा जो है कि बेरोजगार हो गया है, जिसके कारण जो है कि उसको जो है कि दर दर जो है कि भटक रहा है। अभी आपको जो है कि ये बिहार का ही स्थिति बता देते हैं, सीमांचल का, यहाँ पर जो है कि शिक्षा का स्थिति जो है कि उतना डेवलप नहीं है। यहाँ के लोग जो है कि गांव घर के जो लोग हैं वो किसी तरह जो है गांव घर से पढ़ करके जो है किसी तरह यहाँ पूर्णिया शहर में आ जाते हैं और यहाँ पर जो है उस तरह का शिक्षा नहीं है कि वो जो है अच्छा से UPSC हो या BPSC हो, अच्छा तैयारी कर सके। UPSC BPSC के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ेगा लेकिन उसका उतना अच्छा आर्थिक स्थिति नहीं है, क्योंकि इधर जो इस एरिया में लगातार बाढ़ पीड़ित भी आता है जिसके कारण जो उसका फसल नष्ट हो जाता है, क्योंकि इधर जो अधिकतर जो किसान मजदूर के बच्चे रहते हैं। और आप लोग जो कि जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर बिहार में पलायन करता है तो ये कोसी सीमांचल के ही मजदूर जो है वो बाहर जाता है पलायन करने के लिए। इसका मुख्य कारण ये है कि अभी तक जो बिहार में ऐसा कोई जो है कि उद्योग नहीं लगा, जिसके कारण जो यहाँ का जो है कि मजदूर को जो है कि बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, उसके बाहर में जाके कितना मजदूर घटना भी हो जाता है, मौत भी हो जाता है। जब कोरोना आया था, लॉकडाउन हुआ था, सबसे ज्यादा इधर का ही मजदूर बाहर में फंसा हुआ था, हर एक कोना में, इंडिया का हर एक कोना, विदेश में भी फंसा हुआ था। तो उसको कितने बहुत सारे मजदूर जो है कि आने के क्रम में उसका जो है कि मौत भी हो गया, कितना जो है कि घर से बेघर हो गया। तो ये सब स्थिति है, अब ये सब स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है, ऐसा कोई सरकार नहीं बन रहा है कि जो कि हम युवाओं की बात करें, युवाओं को रोजगार दें, ऐसा अभी तक कोई ऐसा सरकार नहीं बन रहा है बिहार में। तो और जो है कि ऐसा कोई सरकार ही नहीं है कोई, लेकिन अभी बीच में अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें तेजस्वी यादव उनकी पार्टी बड़ा क्रेडिट ले रही है कि हमने 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया, वो नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं कि उनकी सरकार तो पहले से थी, उन्होंने नहीं दिया लेकिन हमने आते ही 17 महीने में दे दिया। जी, ये कहीं ना कहीं कि ये दोनों का हम एक आदमी का श्रेय नहीं दे सकते हैं, कहीं ना कहीं दोनों आदमी मिल करके ये तो सही में ऐतिहासिक काम हुआ है कि बहुत सारे युवाओं को जो है कि शिक्षक भर्ती में हो या बिहार पुलिस में हो और कई क्षेत्रों में जो है कि बहाली आया और युवाओं को जो है कि रोजगार मिला है। सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे भारत की युवा जो है कि बिहार में आकर के जो है कि बिहार के हर एक कोने में जो है टीचर का नौकरी कर रहा है, ये तो है।
इससे पहले भी जो है कि नीतीश कुमार जी पहले भी शिक्षक का बहाली किया था शिक्षा मित्र के तहत, लेकिन उससे क्या हुआ कि परसेंटेज के आधार पे हुआ था और उससे जो है कि शिक्षा का इस स्तर जो है लगातार बिहार में गिरते चले गया। कोई ना कोई इंट्रेंस हुआ ना कुछ हुआ, लोग जो है कि डिग्री खरीद खरीद करके जो है कि शिक्षा बहाली में आ गए, लगातार गिरता चला गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने कही क्योंकि जिस तरीके से भर्ती हुई उसके बाद शिक्षा का स्तर गिरता चला गया और बड़ी चुनौती बिहार के युवाओं के सामने यही होती है क्योंकि बाकी राज्यों के अगर आप एजुकेशन सिस्टम को देखें कम से कम टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट को लेकर इस तरह की बात होती है कि युवा और भी चीजें सोच सकता है, लेकिन यहाँ पर वही पारंपरिक तरीके से पारंपरिक धंधे पर सब कुछ चला आ रहा है, ये बड़ी चुनौती हो जाती है। इसको और भी युवाओं से समझने की कोशिश करेंगे। क्या सुना था आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। अजय क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हाँ। तो क्या लगता है ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ यहाँ पर पूर्णिया में आसपास आपको लगता है कि कोई नौकरी आप कर पाएंगे, कुछ काम कर पाएंगे आपके एजुकेशन के हिसाब से भी, या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं स्किल डेवलपमेंट को लेकर कुछ लगता है? ऐसे सर हम तैयारी कर रहे हैं। देखिए कोई भी अगर वैकेंसी निकलता है 5,000 उसमें तो आधा सीट बिकिया जाता है, बचा इधर सीट इधर, इसमें तो और कुछ से मतलब ठीक हो जाता है, सीट देखिए 500 में तो 250 बिकिया गया, 250 बचा, 250 में मतलब इधर है इधर है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, ये चुनौती आ जाती है। लेकिन उसके अलावा मान लीजिए अगर सरकारी नौकरी से हम थोड़ी देर के लिए फोकस हटाएं, दूसरा कुछ दिखता है कि दूसरे क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं यहाँ पे सर? तो नहीं कर सकते हैं, न कोनो कंपनी है न और कुछ है, कोनो फैक्ट्री भी नहीं है जहाँ से जैसे बिहार से अगर बाहर जाते हैं यहाँ वहाँ पे उधर है दूसरी जगह है। हाँ। ये देखिए बड़ी हम बात कर रहे हैं, दूसरी जगह पर सुविधाएं हैं लेकिन यहाँ नहीं। क्या सुना आपका गया? मेरा नाम सौरभ कुमार पासवान है। सौरभ क्या है मुद्दे यहाँ पर आप लोगों के, युवाओं के मुद्दे क्या है? अगर पूर्णिया सीमांचल के युवाओं की हम बात करें, चुनौती क्या है उन लोगों के सामने भविष्य के लिए? देखिए सर यहाँ पे सबसे बड़ा चुनौती है अगर हम जाते हैं सदर अस्पताल गए वहाँ पे कुछ दवाई लेने के लिए, दो दवाई देता है बोलता है जाओ बाहर से खरीदो, इक्के विधायक को सांसद को सब चीज दवाई फ्री मिलता है, सब चीज फ्री मिलता है, आम आदमी को क्यों नहीं मिलता है? इक्के सुधारे मोदी जी 2014 में आए बोलते सब चीज सही कर देंगे, तो आए तो हम लोग वोट दिए थे मोदी जी को इसलिए कि सब चीज सुधार करे, लेकिन अगर हम जा रहे हैं दवाई लेने तो क्यों हम प्राइवेट जा रहे हैं? अभी सबसे बड़ा ये मुद्दा है और रोजगार का भी मुद्दा है। मोदी जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी हम सृजन करेंगे, तो लेकिन अभी हर एक साल रेलवे का बात करिए तो 5,000 वैकेंसी आया एलएनपी का। लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि हर साल 2 करोड़ नौकरी सृजन की जो बात हुई थी वो सिर्फ सरकारी सेक्टर में नहीं हुई थी, प्राइवेट सेक्टर में हुई थी, वो हम कर रहे हैं ये दावा करते हैं, आप लोग उसकी सच्चाई बताइए। कुछ नहीं सर, जमीनी हकीकत में कुछ नहीं होता, रोजगार भी बिहार में तो आज 17 साल उसी का सरकार है, केंद्र से ही डबल इंजन का सरकार है, लेकिन क्या काम हुआ? कुछ नहीं। आज भी पूर्णिया जो 10 साल पहले हम लोग देखते थे वही आज भी देख रहे हैं, आज भी कुछ नहीं हुआ, आज भी हम लोग का पापा सब, कल भी मकई किसान है मेरा पापा, कल भी मकई बेचता था आज भी मकई बेचता, वही रेट, कभी रेट कम होता कभी रेट बढ़ता, ये क्या एक रेट फिक्स करे 2500 कुंटल है तो 2500 करे, कोई रेट फिक्स नहीं, एमएसपी नहीं, हाँ कोई एमएसपी नहीं, रेट कभी घट जाता कभी बढ़ जाता है, किसान को घाटा लगता है सर, और महंगाई इतना हो गया, खाद उद का दाम बहुत बढ़ रहा है, मक्का की खेती में तो पूर्णिया ने कई देशों को पीछे छोड़ा हुआ है पूर्णिया, लेकिन सर दाम नहीं मिल पाता है, खर्चा ही हो जाता है, एक बीघा खेती करते हैं उसमें 10,000 लीज का खेत लगता है, जो खेत वाला उसको लीज देते हैं, खाद का देते हैं, कम बहुत 10,000-20,000 ऐसे बचत होता है, इसमें क्या करेगा सर? 6 महीना में मकई 7 महीना में मकई होता है, कैसे होगा? ये सब मुद्दा है सर। तो ना किसान की बात हो रही है ना युवाओं की बात हो रही है, केवल चुनाव हो रहा है। हम लोग सर अच्छा दिन देखने के लिए मोदी जी को वोट दिए, लेकिन अच्छा दिन कहाँ आ रहा है हम लोग का? हम जी तो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, विकसित, लेकिन आम आदमी तो सर परेशान हो रहा है ना, बात ये है आम आदमी के लिए कोई भलाई नहीं हो रहा। सरकार देखिए सर, सरकार चेंज होना भी बहुत जरूरी, 10 साल इसका हुआ कोई काम तो अभी तक हमको दिखाई नहीं दे रहा, बहुत काम हुआ लेकिन कुछ कुछ काम ऐसा है कि जमीनी स्तर पे तो काम कुछ नहीं हुआ है। आज भी हम लोग का पापा साइकिलेस चलते थे, आज भी साइकिलेस चल रहे, तो क्या काम हुआ? जो होता है जो पैसा मकई में होता है वो फिर खेत में लग जाता है, कुछ 10,000-5,000 अगर फायदा होगा 1-6 महीना पे तो क्या हुआ ही? लेकिन सब तो कह रहे हैं ना कि राष्ट्रवाद का चुनाव है, देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है, ये सब काम तो राज्य सरकारें करेंगी, ये भी है कुछ है, सब ही है। राष्ट्रवाद तो कुछ नहीं होता है सर, हम लोग सब अपना अपना धर्म को जो है अपना मानते हैं, इसमें क्या राष्ट्रवाद है? धर्म तो अपना जगह है सर, लेकिन हम लोग का विकास चाहिए, धर्म थोड़े खाने देगा, हम लोग जो काम करेंगे वही से खाने देगा। बिहार में कोई एक भी फैक्ट्री है पूर्णिया जिला में? कोई नहीं है। सरकारी फैक्ट्री होना चाहिए कम से कम, डबल इंजन का सरकार है, अगर मोदी जी चाहे तो सर
बहुत सारा फैक्ट्री ला सकते हैं, हम लोग क्यों जाएंगे बाहर? कोई भी आदमी चाहता है कि अपना घर में। अच्छी बात कही, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि जो यहाँ से सांसद हैं 10 साल से वो जेडीयू के हैं और ज्यादातर वक्त जेडीयू और बीजेपी साथ में, केंद्र में भी सरकार में रही, यहाँ भी रही, बीच में 17 महीने तेजस्वी आ गए थे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं, संतोष कुशवाहा जी तो संसद में भी आवाज उठा सकते थे, पटना में भी जाकर बात कर सकते थे। संतोष कुशवाहा जी को तो कभी नहीं सर देखे क्षेत्र में, 10 साल हो गया, हम इतना बड़ा हो गया, आज तक जिंदगी में 10 साल में एक बार भी नहीं देखे कहीं उसको, कहीं जाता ही नहीं। मेरा गांव हुआ सर विक्रम भट्टी, वहां पे तो रोड का बहुत बड़ा समस्या है, रोड नहीं था वहां पे। अभी अगर बारिश होती है तो लेडीज सब अगर कोई प्रेग्नेंट होती है तो कैसे जाएगी, एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाता सर, बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है वहां पे। बड़ी चुनौती है, देखिए 10 साल से सांसद हैं, बीजेपी के एनडीए के सांसद रहे, बीच में भले कुछ दिनों के लिए अलग अलग हुई दोनों पार्टियां बीजेपी और जेडीयू, लेकिन सरकार केंद्र बाद में फिर यहां पर भी रही और केंद्र में भी रही, लेकिन उसके बाद दूसरी किस काम नहीं हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।